बिग बॉस सीजन 14 के आने वाले एपिसोड के प्रोमो के अपडेट के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं दोस्तों। बिग बॉस सीजन 14 का आने वाला एपिसोड यानी कि बुधवार का एपिसोड काफी शानदार और काफी दमदार होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पारस छाबड़ा बिग बॉस सीजन 14 के घर में आएंगे। बिग बॉस सीजन 13 के आबरा कडाबरा पारस छाबड़ा कनेक्शन बनकर देवोलीना भट्टाचार्य जी के, और साथ ही साथ देवोलीना भट्टाचार्य जी को साथ देते हुए नजर आएंगे, जहां पर देवोलीना भट्टाचार्य जी को ये एडवाइस देते हुए नजर आएंगे कि तेरे और साथ ही साथ टॉप 5 की लिस्ट में बिग बॉस सीजन 14 के निक्की तंबोली खड़ी है, तो निक्की तंबोली को जितना ज्यादा बैंड बजा सकती है तो उतना ज्यादा बैंड बजा। इसके बाद रूबीना दिलैक के पास भी आते हैं, रूबीना दिलैक की तारीफ करते हैं और रूबीना दिलैक से कहते हैं कि आप काफी ट्रेंड हो रहे हो, और उनका जो ट्रेंड चल रहा है बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर उस ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जिसके बाद रूबीना दिलैक खुशी से झूमने लगती हैं। और यही बात जो है वो सुन लेते हैं राहुल कृष्ण वैद्य, और राहुल कृष्ण वैद्य जो है इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं और एलिगुनी से कहते हैं कि रूबीना दिलैक फिर से ट्रेंड हो रही। इसके बाद बिग बॉस सीजन 14 के घर में टिकट टू फिनाले टास्क होने वाला है। अब ये टिकट टू फिनाले टास्क है क्या, बिग बॉस के गार्डन एरिया को एक बीबी टाउन में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर एक अस्तबल का सेट लगा हुआ है, अस्तबल का सेट लगा हुआ है और एक डोम जैसा बना हुआ है गार्डन एरिया में, जहां पर बहुत सारी बोरियां रखी हुई हैं, और साथ ही साथ कनेक्शन और उनके जो सपोर्टर हैं उन्हें परफॉर्म करना होगा इस टास्क में, और साथ ही साथ एक टीम की तरह खेलना होगा, और एक टीम के दो सदस्य होंगे, जैसे कि एक कनेक्शन होगा और दूसरा जो होगा जो सदस्य बिग बॉस सीजन 14 के घर में डेवन से खेलता है वो होगा। अब हम आपको बता दें कि एक जन जो है डोम के अंदर जाएगा, डोम के अंदर जो टेंट बना हुआ है वहां पर जाएगा, और सारा का सारा जो वहां पर बोरियां हैं बोरियां पर अपने नाम का स्टैंप लगाएगा और दूसरे सदस्य को देगा जो कि डोम से बाहर होगा, और दूसरा सदस्य जो है वो बोरियों को ले जाकर अपने अस्तबल में जाकर रख देगा। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये सब चीजें होने वाली हैं, और पहले पड़ाव दो पड़ाव में होने वाली है। पहले पड़ाव को पार कर कौन कौन बिग बॉस सीजन 14 के नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी कि टिकट टू फिनाले टास्क में नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जो टास्क है वो काफी खतरनाक तरीके से खेला जाएगा। पहला राउंड, जी हाँ, पहला राउंड के तीन चरण होंगे, और पहले चरण में देवोलीना भट्टाचार्य जी आउट हो जाएंगी, आउट होंगी। इसके बाद दूसरे चरण में आउट होंगे राखी सावंत और निक्की तंबोली, निक्की तंबोली पहले जाएंगी, इसके बाद तीसरे चरण में राखी सावंत आउट हो जाएंगी, यानी कि रूबीना दिलैक और साथ ही साथ बाकी एलिगोनी और राहुल कृष्ण वैद्य नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे, जहां पर इन तीनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा टिकट टू फिनाले टास्क को जीतने का। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी लड़ाइयाँ भी होने वाली हैं इस टास्क के दौरान निक्की तंबोली और राहुल कृष्ण वैद्य के बीच में, क्योंकि देवोलीना भट्टाचार्य जी जो हैं निक्की तंबोली का जो जहां पर बोरियों को रखने वाला जो स्पेस होगा, जो टंकी जैसा बना हुआ होगा गार्डन एरिया में, वो टंकी को पानी में फेंक देती है, और इस वजह से समय बीत जाता है और निक्की तंबोली राउंड से आउट हो जाती है। तो निक्की तंबोली का ये कहना होता है कि वो किसी भी तरह से वो अगर वो नहीं रही तो कोई भी नहीं रहेगा, और इसीलिए वो क्या करती है, वो राहुल कृष्ण वैद्य को टारगेट करती है। बस दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक के बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।